नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। रांची में लगातार कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और वहीं वैक्सीन की संख्या कम हो गई है। रांची में सदर अस्पताल में वैक्सीन खत्म हो गई, जिसके कारण लाइन में खड़े लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बताया गया है कि राजधानी वासी कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए सदर अस्पताल गए थे। काफी देर तक लाइन में खड़े रहने के बाद वैक्सीन नहीं दी गई, फिर पता चला कि वैक्सीन खत्म हो गई है। इसी दौरान अस्पताल के डॉक्टर लोगों से अपील कर रहे थे कि वैक्सीन थोड़ी देर में आ जाएगी। कोविड-19 से बचाव के लिए गुरुवार को वैक्सीन की 2,00,000 डोज रांची पहुंच गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक रविशंकर शुक्ला ने बताया कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से वैक्सीन सीधे नामकुम वेयर हाउस पहुँच गई है। वहीं कोविशील्ड वैक्सीन के 10,00,000 डोज पहुंचने की संभावना है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।